पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बनकर एक शातिर चोर ने 30 ग्राम सोने पर हाथ साफ कर दिया है और चोरी करते समय चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि प्रिया ज्वेलर्स घुवारा के सर्राफा बाजार में एक शातिर चोर करीब 1.5 लाख का सोना लेकर फरार हो गया। प्रिया ज्वेलर्स के मालिक राजकुमार सोनी ने बताया कि चोर आया और बोला कि मैं पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर हूं और मुझे 1 ओम का लॉकेट चाहिए है। साथ ही इसके बाद बोला कि वाइप के लिए एक पेंडल भी चाहिए और इसके बाद उसको लगातार ये सारी चीज़ें दिखाई गईं और उसी दौरान उसने 30 ग्राम सोने की बनी झुमकी चुरा ली। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इसके पहले चोर घुवारा के प्रतिष्ठित राधिका ज्वेलर्स पर गया लेकिन उसका मौका वहां नहीं बन पाया और उसी दुकान पर चोर ने पानी मांग कर पिया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। घटना के तुरंत बाद राजकुमार सोनी ने डायल 100 को कॉल किया। मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। उप थाना प्रभारी घुवारा धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि चोरी की वारदात घुवारा सराफा बाजार से संज्ञान में आई है, जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। क्या नाम भैया और क्या घटना हुई आपके साथ? मैं राजकुमार सोनी, मैं दुकान में बैठा था मेन बाजार घुवारा। 1:30 बजे करीब दो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति आए, उन्होंने मेरे से पेंडल मांगा, मैंने पेंडल दिखाए, उसी समय हाथ की सफाई से 30 ग्राम सोने की डिब्बी रूमाल में छुपा कर। क्या कीमत रही उसकी? 1.5 लाख के समथिंग, 1,60,000 की समथिंग थी जी। उठा के लेके रूमाल में छुपा के हाथ से सफाई से और भाग गए। मैंने देखा कहीं भाग क्यों गए जल्दी, तो मैंने डिब्बा देखा, डिब्बा में झुमकी थी जिस डिब्बी वो गायब, और मैंने गाड़ी देखी पल्सर का बाइक थी। ये पूरी वारदात आपके सीसीटीवी कैमरे में भी कैद जी। चलिए ठीक।